Hi everyone, my name is Shivangi. Quick and comprehensive revision series for prelims 2021 में आप सभी का स्वागत है. आज के लेक्चर में हम लोग इंडिया और जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर इंडेक्स दे रखा है कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि हमें कवर करने हैं. ऑलमोस्ट जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं इस मैगजीन में कवर कर रखे हैं. तो वी विल चेक कौन कौन से टॉपिक हैं. द फर्स्ट चैप्टर इज ओरिजिन ऑफ द अर्थ. आफ्टर दैट वी हैव टू टॉक अबाउट द जियोमॉर्फोलॉजी. आफ्टर दैट इंडिया जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर और उसका जो फिजियोग्राफी है, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर का उसके बारे में हम करेंगे. एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एयर का सर्कुलेशन जिस तरीके से होता है. आफ्टर दैट द नेक्स्ट चैप्टर इज वाटर इन द एटमॉस्फेयर. And the chapter 7 is world climate. And after that, oceanography. Oceanography ke baad we will discuss about the Indian climate, one of the most important topic. And chapter 10 jo hai, drainage system and its pattern. Chapter 11 jo hai, soil bhi important chapter hai. And soil ke baad we will discuss about natural vegetation. After that, human settlement. India ke jo population hai, India ka jo land resource hai. Agriculture, one of the most important topic. And after that we will discuss about the industry, water resource, mineral resource, transport and communication. And after that the next one is continent. So Asia continent hai, wo bahut jyada important hai for your prelims as well as your main. So ye hum logo ne index ke bare mein dekha tha. Ab hum log chapter first start karte hain, that is the origin of the earth. So is chapter mein kya hai ki earth kis अर्थ का ओरिजिन हुआ, तो डिफरेंट उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट थियोरी इज नेबुलर हाइपोथेसिस. अब नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में जो फैक्ट है या फिर ये जो उसके बारे में देखते हैं. तो जो नेबुलर हाइपोथेसिस की जो थियोरी वो जर्मन फिलोसोफर इम्यून कांट ने सबसे पहले इस थ्योरी को दिया था. आफ्टर दैट इसको रिवाइज किया गया था 1796 में जो मैथमेटिशियन थे लाप्लास के द्वारा. अब देखते हैं इस थ्योरी में क्या डिटेल दिया जाता है. तो इस थ्योरी में ये बताया गया कि ये जो हाइपोथेसिस है ये कंसीडर करता है कि जो प्लैनेट है ये बना होता है आउट ऑफ क्लाउड जो मटेरियल होते हैं विद यूथफुल सन के साथ जो कि स्लोली रोटेट करता है. तो फर्स्ट थ्योरी ये. अगेन 1950 में क्या हुआ था कि इसको ओटो स्मिथ के द्वारा जो कि रशिया में थे तो रिवाइज किया गया और कार्ल विजारस के द्वारा जो कि जर्मनी और रशिया के दोनों साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको फिर से रिवाइज किया. और उन्होंने ये बताया, इन्होंने कंसीडर किया कि जो सन है ये सराउंड होता है सोलर नेबुला से जो कि कंटेन करता है मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम को अलोंग विथ ये टर्म भी कर सकता है एज डस्ट के फॉर्म में. और जो फ्रिक्शन है और कोलिजन जो है पार्टिकल का ये लेट करता है डेक से जो क्लाउड है उसके फॉर्मेशन को और जिससे प्लैनेट जो होता है ये फॉर्म हो जाता है एक्रिएशन के प्रोसेस के थ्रू. तो नेक्स्ट जो थ्योरी जो है इसको रिवाइज किया था उन्होंने ये बताई थी. ये थी नेबुला थ्योरी के बारे में. प्लस नेबुला थ्योरी के बाद जो आई नेक्स्ट थ्योरी आई दैट इज ए ट्रांसमिटल हाइपोथेसिस. ये जो थ्योरी थी 1900 में जैम बैरलन और मॉल्टन ने इसको उन्होंने दिया था. आफ्टर दैट इस थ्योरी को सपोर्ट किया गया था सर जेम्स जीन और लेटर सर होराल्ड जेफरी ने इस सपोर्ट किया था. अब देखते हैं इस में क्या है. इन्होंने कंसीडर किया था कि जो वंडरिंग स्टार जो था ये अप्रोच करता है सन को. रिजल्ट क्या हुआ कि एक जो सिगार सिर्फ एक्सटेंशन जो है मटेरियल का वो सेपरेट हो गया सोलर सरफेस से और जैसे जैसे वो पास करता है और मूव अवे करता है स्टार से फिर मटेरियल जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं सोलर सरफेस से और ये कंटिन्यू रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड और क्या होते हैं ये स्लोली कंडेंस करते हैं प्लैनेट में. तो ये थी नेक्स्ट थ्योरी या हाइपोथेसिस. अब मॉडर्न थ्योरी की बात करते हैं. मॉडर्न थ्योरी को बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है.
तो इसको जो बिग बैंग थ्योरी है इसको एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। ये थ्योरी जो है इसको प्रोनाउंस किया था या फिर ये जॉर्ज लैमार्टी ने दिया था 1940 में। फिर उसके बाद इडविन हबल 1920 में जिन्होंने प्रोवाइड किए थे कुछ एविडेंस, और वो एविडेंस ये थे कि जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड करता है। और एक्सपेंशन जो होता है यूनिवर्स का, इसका मतलब क्या है कि जो जो होते हैं ना गैलेक्सीज में, वो भी इंक्रीज करते जाते हैं। और जैसे जैसे टाइम पास होता है गैलेक्सीज होते हैं ये मूव करते हैं फर्दर एंड फर्दर अपार्ट। जो बिग बैंग थ्योरी है इसको कंसीडर किया जाता है फॉलोइंग स्टेज में, जो कि जो जिसके क्या हुआ था यूनिवर्स का डेवलपमेंट हुआ। नाउ वी टॉक अबाउट दैट स्टेज, वो कौन कौन सी स्टेज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस स्टेज के बारे में, इस थ्योरी में जो इसके गए हैं उसके बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर एक बताया गया कि टाइनी बॉल था, दैट इज ए सिंगुलर एटम। और ये जो सिंगुलर एटम था अन इमेजिनेबली क्या हुआ, इसका जो वॉल्यूम था ये काफी स्मॉल था, और इसका जो टेम्परेचर था वो इनफाइनाइट था और डेंसिटी फाइनाइट। इस में क्या हुआ कि जो बिग बैंग थ्योरी में जो टाइनी ये जो टाइनी बॉल था ये एक्सप्लोड कर जाती है वायलेंटली, और जब ये एक्सप्लोड करती है तो इससे बहुत ज्यादा ह्यूज एक्सपेंशन होता है, और ये 13.7 बिलियन एबो होता है बिफोर, अगर हम प्रेजेंट टाइम से बात करें। और एक्सपेंशन जो होता है ये कंटिन्यू होता है इवन प्रेजेंट डे भी, ये जो यूनिवर्स है उसका एक्सपेंशन आज भी हो रहा है। विद इन 3000 ईयर 300,000 ईयर जो बिग बैंग थ्योरी में की अगर बात करें, तो टेम्परेचर जो है ये ड्रॉप्ड हो गया था 4500 केल्विन, और ये राइज देता है एटॉमिक मैटर का। और उस क्या हुआ कि जो यूनिवर्स है वो ट्रांसपेरेंट हो गया। ये कुछ स्टेज थे बिग बैंग थ्योरी। अब यहाँ पर देखते हैं, ये जैसे यहाँ पर भी दे रखा है फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ कि यहाँ पर क्या है कि ये जो था एक क्लाउड था, तो फर्स्ट सेकेंड आफ्टर हाँ, वो इसके बाद क्या हुआ कि जो 13.8 अप्रोक्सीमेट है वो किए बिग बैंग के अभी नहीं, मतलब कि बताया गया कि अर्थ जो है इस तरीके से जो है ये फॉर्म दिया। फर्स्ट सेकेंड आफ्टर बिग बैंग जो होता है बर्थ जो होता है सब एटॉमिक पार्टिकल, तो इस तरीके से जब ये क्लाउड बना तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी फॉर्म हुए। नेक्स्ट स्टेज में क्या हुआ कि अप्रोक्सीमेटली 30,000 ईयर लेटर जो इलेक्ट्रॉन्स एंड जो न्यूक्लियस जो है ये कंबाइन हो गए एटम में। देन उसके बाद जो थर्ड स्टेज था 300 मिलियन लेटर, क्या हुआ कि यहाँ पर जो स्टार है और गैलेक्सीज है उनका फॉर्मेशन लगा। तो फोर्थ स्टेज ये बताया जा रहा है कि 9 बिलियन लेटर के 9 बिलियन के बाद क्या हुआ जो फॉर्मेशन हुआ सोलर सिस्टम का और अर्थ का, तरीके से ये बिग बैंग थ्योरी है उसको दिया गया, इसके बारे में बताया गया। अब देखते हैं कि जो स्टार है उसका फॉर्मेशन किस तरीके से, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन था मैटर का और एनर्जी का वो अर्ली यूनिवर्स में नहीं था। ये जो इनिशियल इनकी जो डेंसिटी थी, अगर उनके ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात किया जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये रीजन था कि जो जो भी मैटर है वो क्या हो ये गेट डाउन हो जाए एक साथ, टुगेदर दे कैन गेट डाउन। क्या हुआ कि इन्होंने बेसिक जो बेसिस बनाया गैलेक्सीज के डेवलपमेंट के लिए। गैलेक्सी जो है ये कंटेन करते हैं लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स को। गैलेक्सी जो स्टार हैं ये फॉर्म होते हैं बाय द एक्युमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज क्लाउड। उस क्लाउड को क्या कहा जाता है, उस क्लाउड को नेबुला कहा जाता है। इवेंचुअली जो ग्रोइंग नेबुला है ये डेवलप करता है लोकलाइज क्लम्प्स जो होते हैं गैसेस, और ये जो क्लम्स होते हैं कंटिन्यू ग्रो करते हैं इवन डेंसर गैसियस बॉडीज में। इससे क्या होता है स्टार जो होता है वो फॉर्म होता है।
अब यहाँ पर देखा बताया गया है कि तरीके से डार्क क्लाउड था, और जब डार्क क्लाउड था तो इसमें ग्रेविटेशनल कोलैप्स हुआ। जब ग्रेविटेशनल कोलैप्स हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर बाइपोलर फ्लो हुआ, एनवेलप्स आए, डिस्क आए, जो स्टार्स है वो क्या हुए, वो एक्सपेंड करते गए, और यहाँ पर जो फोटो प्लानिटरी साइज सेंटर स्टार, फिर सेंटर स्टार हुआ जिसके चारों तरफ जो नेस्ट स्टार है वो करते हैं, प्लानिटरी ड्रिफ्ट जो है वो फिर उसके बाद क्या हो गई, वो भी एक्सपेंड करने स्टार्ट हो गई, और आफ्टर दैट ये जो सेंटर स्टार बन गया, सेंटर स्टार के बाद जो अदर प्लानिटरी ड्रिफ्ट है वो और एक्सपेंड करती गई, और दे रिवॉल्व अराउंड द सेंटर स्टार। तो ये एक यंगर सिस्टम था। नाउ अब देखते हैं कि जो प्लैनेट है इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो जो स्टार हैं ये लोकलाइज होते हैं लंप जो होते हैं गैसेस के विद इन ए नेबुला, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है विद इन ए लंप ये लीड करता है कोर के फॉर्मेशन को, जो कि गैस क्लाउड होते हैं, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूज रोटेटिंग डिस्क होती है गैस के, और डस्ट जो होता है गैस कोर के अराउंड जो है वो डेवलप होता है। इन द नेक्स्ट स्टेज जो गैस क्लाउड के स्टार हैं ये कंडेंस होने लगते हैं, और जो मैटर होता है कोर के अराउंड वो डेवलप हो जाता है, और जिससे स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट है वो भी डेवलप होने लगते हैं। स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट जो होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कोहेशन डेवलप, ये जिसे कहा जाता है प्लैनेट्स मिलर, वो फॉर्म हो जाता है, और जो लार्जर बॉडीज होती है स्टार्ट हो जाती है, और साथ ही साथ ये जो लार्जर बॉडी होती है वो कोलिजन करना भी स्टार्ट कर देती है, और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो होता है ये कॉज करता है कि जो मटेरियल है वो एक साथ एक्सप्लोड करें, और प्लैनेट स्टेबल जो होता है ये लार्ज नंबर के स्टार होते हैं स्मॉलर बॉडीज। इन फाइनल स्टेज में क्या होता है कि ये लार्ज नंबर के जो स्मॉल प्लैनेट स्टेबल जो होते हैं ये हीट करते हैं, और जिससे कि फॉर्म हो फ्यूअर लार्ज बॉडीज को इन द फॉर्म ऑफ प्लैनेट। तो इस तरीके से जो प्लैनेट है वो फॉर्म होता है। नाउ वी टॉक अबाउट अवर सोलर सिस्टम। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है जो कंसिस्ट करता है सन को, सन जो है ये भी स्टार है, क्या होते हैं टोटल 8 प्लैनेट है, 60 मून है, और मिलियंस ऑफ स्मॉलर बॉडीज हैं लाइक एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट, और ह्यूज क्वांटिटी के डस्ट ग्रेन जो और गैसेस जो है ये सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं। सन जो है ये सेंट्रल स्टार होता है हमारे सोलर सिस्टम का। देयर आर 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। अगर प्लैनेट की बात करें तो 8 प्लैनेट है, जिसमें से मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आते हैं। तो इसको शॉर्ट करने का तरीका, शॉर्टकट जो है माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो माई से क्या हो गया मरकरी, वेरी से क्या हो गया वीनस, इफिशियंट से क्या हो गया अर्थ, मदर से हो गया मार्स, और जस्ट से हो गया जुपिटर, सर्व से हो गया सैटर्न, अस से हो गया वीनस, और एन से हो गया नेपच्यून। एक शॉर्ट फॉर्म दे रखा है, आप इस तरीके से स्टार मून को लर्न कर सकते हैं। मरकरी जो है ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट होता है, और ये नियरेस्ट प्लैनेट होता है सन के पास का। वीनस जो होता है इसको कंसीडर किया जाता है कि अर्थ के साइज से ये ट्विन होता है, और जो साइज जो होता है और जो सेज होता है ये इसका जो कलर होता है अर्थ से, ये प्रॉबली हॉटेस्ट प्लैनेट होता है बिकॉज यहाँ का जो एटमोसफियर है 90-95% कार्बन डाइऑक्साइड जो है कंटेन करता है, विथ यहाँ पे जो क्लाउड होता है सल्फ्यूरिक क्लाउड भी होता है। नाउ यहाँ पर दे रखा है, ये देखो आप देख सकते हो हमारा जो सोलर सिस्टम है, यहाँ पर सन है, जुपिटर ट्राइड बेल्ट भी पाए जाते हैं, मार्स, अर्थ, वीनस, मरकरी, ठीक है ना। तो वो इस तरीके से क्या बोलते हैं, सॉरी यहाँ पे मरकरी, वीनस, अर्थ, ये सन हो गया, यहाँ पे सन थोड़ा समझ आ गया। यहाँ ये जो हो गया सन हो गया, सन के पास का जो प्लैनेट है मरकरी, मरकरी के पास वीनस, आपका जो अर्थ है वो थर्ड प्लैनेट है, अर्थ के बाद मार्स, यहाँ पर एस्टेरॉयड बेल्ट भी इंक्लूडेड है जहाँ पर कोर भी पाए जाते हैं जिसे कहा जाता है। मार्स के बाद जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, सैटर्न के बाद यूरेनस एंड
नेक्स्ट वन इज नेपट्यून। तो को भी पहले प्लैनेट समझा जाता था, बट प्लूटो ने कुछ जो प्लैनेट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है उसको फुलफिल नहीं किए, तो अभी प्लूटो जो है उसको प्लैनेट नहीं कंसीडर किया है। जुपिटर जो होता है ये सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट होता है। तो जो एटमॉस्फेयर है ये कंटेन करता है हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया को। जो टिल्ट्स होते हैं रोटेशनल एक्सिस में वीनस और यूरेनस का, ये इतने ज़्यादा ग्रेट होते हैं कि ये जो प्लैनेट होते हैं एक्चुअली रोटेट करते हैं इन डायरेक्शन ऑफ दैट इज अपोजिट अदर प्लैनेट। प्लूटो जो है इसको ड्राफ्ट प्लैनेट कहा जाता है। ये जो प्लैनेट है ये डिवाइडेड होते हैं इनर और आउटर प्लैनेट में। इनर जिसे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहा जाता है, आउटर जिसे जोवियन प्लैनेट भी कहा जाता है। नाउ वी टॉक अबाउट द इनर प्लैनेट। ये जो होते हैं इनकी जो डेंसिटी वो काफ़ी हाई होती है और सॉलिड रॉकी सरफेस होते हैं। ये बेसिकली कंटेन करते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। मार्स को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो होते हैं ये फॉर्म होते हैं सोज जो होती है सन के, जहाँ पर ये इतने ज़्यादा वार्म होते हैं फॉर गैसेस ऑन द सरफेस, वो कंटेन करते हैं कंडेंस करते हैं सॉलिड पार्टिकल को। तो इंटेंस सोलर विंड जो होता है नियर द सन फ्लो ऑफ लॉट्स ऑफ दीज गैसेस और डस्ट जो होते हैं ये फॉर्म होते हैं सरफेस जो होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के। दैट्स वाई जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं इनकी जो सरफेस होती है ये रॉकी होती है। नाउ वी टॉक अबाउट द आउटर और जिसे जोवियन प्लैनेट भी कहा जाता है। ये जो डेंसिटी है ये लोअर होती है। इन प्लैनेट के बारे में बात करें तो इसमें सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून आते हैं। और जो सोलर विंड जो होता है ये वेल नहीं होता है, जो कि इंटेंस करे और कॉज कर सके सिमिलर रिव्यूबल जो होते हैं गैसेस के फ्रॉम द जोवियन प्लैनेट। दैट्स वाई जो जोवियन प्लैनेट्स होते हैं इनकी सरफेस होती है वो गैसियस, इनकी जो सरफेस होती है वो गैसियस होती है। नाउ वी टॉक अबाउट द पैरामीटर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट एंड जोवियन प्लैनेट के बारे में। तो लोकेशन की बात करें तो जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होते हैं ये क्लोज विसिनिटी होते हैं पेरेंट स्टार के, और ये इतने ज़्यादा वार्म होते हैं जो कि फॉर्म करते हैं गैसेस को और कंडेंस करते हैं सॉलिड पार्टिकल को। अगर हम बात करें जो सोलर विंड के इफेक्ट की, ये बिलो करते हैं डॉट्स ऑफ गैस और डस्ट को फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से, वजह से जो सरफेस होती है वो रॉकी होती है। साइज की बात करें तो स्मॉलर होते हैं, इनकी जो ग्रेविटी होती है वो लो होती है और ये नहीं होल्ड कर सकते हैं इस कैपिंग गैसेस। डेंसिटी इनकी हायर होती है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के। अब देखते हैं जोवियन प्लैनेट की। तो ये जो होते हैं डिस्टेंस लोकेशन में होते हैं। सोलर विंड की इफेक्ट की बात करें तो सोलर विंड होता है ये नहीं होते हैं जोवियन प्लैनेट में, और ये इंटेंस करते हैं जिससे कि जो सिमिलर रिपल जो है गैसेस बन सकें जोवियन प्लैनेट से। इनके जो साइज की बात करें तो ये बिगर होते हैं, इनकी जो एटमॉस्फेयर होती है वो काफ़ी थिक होती है, और इनकी डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी होती है इनकी काफ़ी लोअर होती है। तो ये था प्लैनेट के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर वी टॉक अबाउट मून। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो मून है उसके बारे में, जो टिडल लॉकिंग है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे और अर्थ किस तरीके से बनती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट अर्थ एंड द मून। थैंक यू सो मच।